नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अभिजीत शर्मा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। मित्रों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बुध देव के राशि परिवर्तन की। 25 मई 2020 को बुध देव वृष राशि को छोड़कर अपनी ही राशि अर्थात मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और मिथुन राशि के अंदर बुध देव 2 अगस्त तक रहने वाले हैं। ऐसे में पंच महापुरुष योगों में से एक महापुरुष योग का निर्माण बुध देव करने जा रहे हैं, जिसे हम भद्र महापुरुष योग के नाम से जानते हैं। आप सभी लोग जानते हैं बुध देव को बुद्धि का कारक माना जाता है, चातुर्यता का कारक माना जाता है और इन सभी से विशेष व्यापार का कारक माना जाता है। वर्तमान समय में जो स्थितियां हमें देखने को मिल रही है कि लॉकडाउन बना हुआ है, हालांकि धीरे धीरे ये गतिविधियां अब हमारे सामने खुलने लगी है, लोग अपने अपने व्यापार पर जाने लगे हैं। आप देख पाएंगे 25 मई के पश्चात में ये गतिविधियां आपके सामने और अच्छे ढंग से प्रकट होकर आएगी। आज मेष राशि से मीन राशि तक के लोगों के ऊपर बुध देव के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इसी से संबंधित आपको जानकारी देने जा रहा हूं। किंतु यहां मैं आपको बता दूं, बुध देव के इस राशि परिवर्तन का 12 में से 9 राशि वाले जातकों को बड़ा ही सर्वश्रेष्ठ लाभ देखने को मिलने वाला है। जी हां, यदि आपकी कुंडली में बुध देव का प्लेसमेंट अच्छा बना हुआ है तो निश्चित रूप से जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसके श्रेष्ठ परिणाम आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित रहेगा। तो आइए सर्वप्रथम जानते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए बुध देव का यह राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। मित्रों, 25 मई से मेष राशि वाले जातकों के पराक्रम भाव में बुध देव गोचर करने जा रहे हैं। यह योग पूर्णतया दर्शाता है कि मेष राशि वाले जातकों को मेहनत में अधिकता अवश्य देखने को मिलेगी, किंतु मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि मेहनत से बिल्कुल भी मत घबराइएगा। यहां मेहनत आपको अवश्य देखने को मिलेगी, किंतु मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट भी आपको अवश्य देखने को मिलने वाले हैं। पराक्रम भाव के साथ ही आपके षष्ठम भाव के भी मालिक है, जो कि आपका जॉब स्थान है। जॉब स्थान के साथ साथ ही रोग का स्थान भी है। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसी के साथ अपने जॉब के प्लेस के ऊपर अपने कलीग, अपने बॉस से अच्छा व्यवहार बनाने का प्रयास करें, अन्यथा जॉब संबंधित उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। बात करें यदि वृष राशि वाले जातकों की, तो वृष राशि के जातकों के द्वितीय भाव के अंदर बुधदेव गोचर करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। जी हाँ, वृष राशि वाले जातकों को कुटुंब परिवार में यशमान प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलेगी। धन से संबंधित किसी भी प्रकार के जो संकट आपको देखने को मिले हैं पिछले समय में, उनसे आपको निजात मिलने वाली है। वाणी में भी आपको बहुत चातुर्यता और बहुत मीठा मधुर वाणी देखने को मिलेंगी। इसी के साथ में वृष राशि वाले जातकों के पंचम भाव के ये स्वामी है, तो निसंकोच कहा जा सकता है। यदि आपको पेट से संबंधित कोई समस्या देखने को मिल रही थी तो उससे निजात देखने को मिलेगी। मेमोरी आपकी बड़ी शार्प रहने वाली है। 25 मई के पश्चात आपको कोई आकस्मिक धन लाभ के योग देखने को मिल सकते हैं। साथ ही यदि आप वृष राशि के एक विद्यार्थी हैं तो 25 मई के पश्चात यह समय आपके लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है। किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव यदि बना हुआ था तो 25 मई के पश्चात आपको मानसिक तनाव से अवश्य मिलने जा रही है निजात। बात करें यदि मिथुन राशि वाले जातकों की, तो मिथुन राशि वाले जातकों के लग्न के अंदर ही बुधदेव संचरण करने जा रहे हैं, जो कि यहां बैठकर भद्र महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। ऐसे में यह स्थिति पूर्णतया दर्शाती है कि मिथुन राशि वाले जातकों को बड़ा ही सर्वत्र श्रेष्ठ लाभ देते हुए बुधदेव यहां पाए जाएंगे। जी हां, आपका व्यक्तित्व ज्ञान स्वरूप में निखर कर सामने आएगा। आपके द्वारा लिए गए निर्णय पूर्ण रूप से पक्षकारी सिद्ध होंगे। आपका व्यक्तित्व बहुत प्रसन्न मुद्रा में रहेगा। इसी के साथ यदि भूमि, भवन, वाहन इत्यादि आप खरीदने की सोच रहे थे, तो आ गया है वह समय जब बुध देव देने जा रहे हैं आपको समस्त प्रकार के भौतिक सुखों की सौगात। दाम्पत्य योग में मधुरता देखने को मिलेगी। यदि आपके दाम्पत्य योग में किसी प्रकार का उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, तो उसमें भी सुलह के प्रबल योग सामने निकल कर आएंगे। बात करें यदि कर्क राशि वाले जातकों की, तो कर्क राशि वाले जातकों के द्वादश भाव के अंदर बुधदेव संचरण करने जा रहे हैं। ऐसे में मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, साथ ही मेहनत से बिल्कुल भी ना डरें। जितनी अधिक मात्रा में आप मेहनत करने के आपको अवसर प्राप्त हो, उस मेहनत के सामने डटकर खड़े रहें, निश्चित रूप से आपको श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलेंगे। इसी के साथ मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा कि इस समय में 25 मई से लेकर 2 अगस्त तक का जो समय रहेगा, यहां पर यदि आप गणपति की आराधना करते हैं, गणपति को दुर्वा चढ़ाते हैं, नित्य ओम गम गणपते नमः का जाप करते हैं, तो यह समय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो सकता है। इसी के साथ बात करें यदि सिंह राशि की, तो सिंह राशि के जातकों के लिए एकादश भाव के अंदर बुधदेव संचरण करने जा रहे हैं। यहां पर बैठकर काफी समय से आपकी कोई विशेष मनोकामना जो पूर्ण नहीं हो पा रही थी, वो अवश्य इस समय के अंदर आपके सामने पूर्ण होकर निकलेगी। आय के अंदर वृद्धि देखने को मिलेगी, आय के नए स्त्रोत्र आपके सामने आ सकते हैं। धन से संबंधित यदि कोई समस्या आपको देखने को मिल रही थी, तो उससे भी निश्चित रूप से आपको निजात देखने को मिलने वाली है। कुटुंब परिवार में यशमान प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलेगी, साथ ही वाणी में देखने को मिलेगी आपको मधुरता। बात करें यदि कन्या राशि के जातकों की, तो कन्या राशि वाले जातकों के दशम भाव के अंदर बुधदेव संचरण करने जा रहे हैं और यहां बैठकर भी ये भद्र महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। ऐसी स्थिति में निसंकोच कहा जा सकता है कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए भी यह समय सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है।
जी हाँ, व्यापार करने वाले जातकों को व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी, तो वही नौकरी पेशा वाले जातकों को देखने को मिलेंगे सर्वश्रेष्ठ योग। इसी के साथ कन्या राशि के वह जातक जो काफी समय से जॉब की तलाश कर रहे थे या किसी कारणवश पिछले समय में आपकी जॉब छूट गई है, तो 25 मई के पश्चात आपको पुनः जॉब मिलने के बहुत सर्वश्रेष्ठ योग देखने को मिलेंगे। आपका व्यक्तित्व तो ज्ञान स्वरूप में निखर कर सामने आएगा, साथ ही भौतिक सुखों में आपको देखने को मिलेगी वृद्धि। माता का स्वास्थ्य खराब था या माता से किसी प्रकार का मनमुटाव देखने को मिल रहा था, तो उससे भी मिलने जा रही है आपको निजात। बात करें यदि तुला राशि वाले जातकों की, तो तुला राशि वाले जातकों के नवम भाव के अंदर बुधदेव संचरण करने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में 25 मई के पश्चात तुला राशि वाले जातक देखेंगे कि भाग्य का परिपूर्णता से साथ देखने को मिलेगा। साथ ही यदि आप कहीं अटके हुए हैं और काफी समय से प्रयास के पश्चात भी आप अपने स्थान के ऊपर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये 25 मई के पश्चात आपको बहुत अच्छे योग देखने को मिलेंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। स्वास्थ्य संबंधित यदि पिछले समय में कोई समस्याकृत अवस्था देखने को मिल रही थी, स्वयं या स्वयं के परिवार से संबंधित कोई हॉस्पिटलाइज खर्चा देखने को मिल रहा था, तो उससे भी आपको निजात मिलने वाली है। मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपके द्वारा की गई यात्राएं पूर्ण रूप से सफल सिद्ध होंगी। इसके पश्चात बात करें यदि वृश्चिक राशि वाले जातकों की, तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के अष्टम भाव के अंदर बुधदेव संचरण करने जा रहे हैं। ऐसे में मैं आपको कहूंगा बुधदेव की आराधना करना इस समय में अति आवश्यक रहेगा। बुद्धदेव की आराधना करने से आपको जो मानसिक तनाव इस स्थिति के अंदर मिल सकता है, उससे आपको निजात देखने को मिलेगी। आय के स्त्रोत्र भी आपके सामने निकलकर सामने आएंगे। डिजायर्स, कोई भी मनोकामना आपकी बनी हुई है, इसके अंदर कहीं ना कहीं रुकावट देखने को मिल सकती है, किंतु यदि गणपति की आराधना और बुद्धदेव के मंत्र का जाप करते हैं, ओम बुधाय नमः ओम गम गणपतये नमः का जाप करते हैं, तो मनोकामनाएं थोड़ा डिले हो सकती है, किंतु अवश्य हो जाएगी पूर्ण। वृश्चिक राशि के पश्चात बात करें यदि धनु राशि की, तो धनु राशि वाले जातकों के सप्तम भाव के अंदर बुद्धदेव संचरण करने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि दाम्पत्य योग में आपको किसी प्रकार का उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगी संबंधों में मधुरता। दैनिक रोजगार में वृद्धि देखने को मिलेगी। पार्टनरशिप से संबंधित कोई उलझे हुए कार्य यदि आपको देखने को मिल रहे थे, तो उससे भी मिलने जा रही है आपको निजात। साथ ही व्यापार करने वाले जातकों को व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी, तो वही नौकरी पेशा वाले जातकों को देखने को मिलेंगे पदोन्नति के योग। 25 मई से लेकर 2 अगस्त तक के समय के मध्य में आपके द्वारा लिए गए निर्णय पूर्ण रूप से आपके लिए पक्षकारी सिद्ध होंगे। धनु राशि के पश्चात बात करें यदि मकर राशि की, तो मकर राशि वाले जातकों के षष्ठम भाव के अंदर बुधदेव संचरण करने जा रहे हैं, किंतु यहां पर ये विपरीत राजयोग बना कर देंगे। ये स्थिति पूर्णतया आपके लिए जॉब से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या आपको देखने को मिल रही थी, उससे सुलझन प्राप्त होगी। फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि जॉब से संबंधित आप अपने कलीग अपने बॉस इनसे अच्छा व्यवहार बनाकर रखें। स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या आपको देखने को मिल रही थी, तो उससे भी आपको निजात अवश्य देखने को मिलेगी। भाग्य का परिपूर्णता से साथ देखने को मिलेगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। किसी भी असहाय व्यक्तियों की सहायता करने में भी आपकी इस समय में रुचि देखने को मिल सकती है। पिछले समय में यदि आपको कोई हॉस्पिटलाइज खर्चे देखने को मिल रहे थे, तो उससे भी आपको अवश्य मिलने जा रही है निजात। बात करें यदि कुंभ राशि वाले जातकों की, तो कुंभ राशि वाले जातकों के पंचम भाव के अंदर बुधदेव संचरण करने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में बुधदेव का यह राशि परिवर्तन पूर्णतया सिद्ध करता है कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह राशि परिवर्तन बड़ा ही सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है। जी हाँ, आपको 25 मई से लेकर 2 अगस्त के समय के मध्य में कोई आकस्मिक धन लाभ देखने को मिल सकता है। पेट से संबंधित यदि कोई समस्या देखने को मिल रही थी, तो उससे भी आपको निजात अवश्य देखने को मिलेगी। मेमोरी बड़ी शार्प रहेगी। साथ ही कुंभ राशि वाले जातकों के विद्यार्थी जो हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत ही सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगा। पिछले काफी समय से किसी भी प्रकार की मानसिक तनाव बना हुआ था, तो उससे भी आपको निजात अवश्य मिलकर रहेगी। आय में वृद्धि देखने को मिलेगी। कोई भी विशेष मनोकामना जो काफी समय से पूर्ण नहीं हो पा रही थी, वह भी समय में अवश्य हो सकती है पूर्ण। कुंभ राशि के पश्चात बात करें यदि मीन राशि वाले जातकों की, तो मीन राशि वाले जातकों के चतुर्थ भाव के अंदर बुधदेव संचरण करने जा रहे हैं। ऐसे में यदि आपकी माता के स्वास्थ्य संबंधित कोई प्रकार की समस्या देखने को मिल रही थी, तो उससे निजात देखने को मिलेगी। संबंधों में माता से देखने को मिलेगी मधुरता। भौतिक सुखों में निश्चित रूप से आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। कोई भी प्रकार का भूमि भवन वाहन संबंधित कोई कार्य अटका हुआ है या कोई नई भूमि भवन वाहन आप लेना चाह रहे हैं, तो ये समय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होकर निकलकर सामने आएगा। जातकों को व्यापार करने वाले जातकों को निसंकोच व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। नौकरी पेशा वाले जातकों को बहुत सर्वश्रेष्ठ योग देखने को मिलेंगे। साथ ही यदि आपका कोई नौकरी चली गई है या किसी कारणवश आपको शंका बनी हुई है कि आपकी नौकरी कहीं ना चली जाए, तो 25 मई के पश्चात ये शंका समस्त रूप से समाप्त होती हुई दिखाई देगी। तो ऐसे में बुधदेव का यह राशि परिवर्तन 12 में से 9 राशि वाले जातकों के लिए तो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ योग प्रदान करता हुआ दिखाई देगा, किंतु मेष कर्क और वृश्चिक राशि वाले जातकों को सामान्य फल देखने को मिलेंगे। ऐसे में मैं आप सभी लोगों से कहूंगा जो मेष राशि कर्क राशि और वृश्चिक राशि के जातक हैं, उन्हें बुधदेव की गणपति की आराधना अवश्य करनी चाहिए। किसी भी प्रकार का संकट आपको देखने को नहीं मिलेगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए